तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब द डार्लिंग द डायनासोर प्रभास अब भाई किसी से रुके से नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर डोमेस्टिक रीजन की बात करें तो किंग खान से पंगा मिल रहा है भाई डंकी मूवी से, एंड ओवरसीज की बात करें हॉलीवुड से सीधा पंगा मिल रहा है द एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। भाई द डीसीयू की मोस्ट लवेबल फ्रेंचाइजी, ना ये बंदा इंडिया में रुक रहा है ना ये बंदा ओवरसीज में रुक रहा है, भाई दोनों ही तरफ से खुले हाथों से पैसा बटोर के ला रहे हैं ये अपनी मूवी के लिए। और सालार जो ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही है भाई, 3 दिन में ही 400 करोड़ हिट करना बिल्कुल मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े मूवीज के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, इवन KGF 2, बाहुबली 2 के भी सिंगल डे में कलेक्शन के मामले में भाई तबाही देखने को मिल रही है। बावजूद इसके क्लैश चल रहा है, अगर सिंगल रिलीज होती विदाउट कंपटीशन तो अलग था, लेकिन क्लैश के बावजूद जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं डोमेस्टिक रीजन से ओवरसीज रीजन से, भाई वर्ल्ड वाइड जो फाड़ रही है हर एक दिन सभी चीज़ों पर अभी देख करके नज़र मारेंगे। आज 5वां दिन है, कल शानदार तरीके से 4 दिन कंप्लीट कर लिए थे, कल क्रिसमस डे था, फ्लेक्सिबल हॉलीडे था, प्रॉपर हॉलीडे नहीं था, लेकिन बावजूद इसके भाई बहुत सॉलिड फाड़ के कमाई लाई है। आज ट्यूसडे है, प्रॉपर वर्किंग डे है भाई, आज थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी वर्किंग डेज में जो रेज झेल रही है ये मूवी, क्योंकि डंकी भाई साहब बुरी तरीके से लताड़ रही है डंकी को ये सालार जबरदस्त तरीके से। सभी चीज़ों पर बात करेंगे अभी एक एक करके, कल तक क्या कलेक्शन कर लिया है, नेट इंडिया से क्या कलेक्शन आ चुका है पहले 4 दिन में, उसके बाद आज की डे 5 की एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है, आज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही, क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा शुरुआत करने से पहले बता दूं आपको, पहले 3 दिन में ही ये जवान, लियो, पठान, टाइगर 3, एनिमल इन सभी मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर चुकी है, फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में, सिंगल डे से ह्यूज कलेक्शन के मामले में, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में, एंड नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में भी लियो को खदेड़ चुकी है ये मूवी। भाई सॉलिड है बिल्कुल, ऐसा देखा जाता है कि साउथ की मूवीज में क्या होता है, फर्स्ट डे बहुत अच्छी ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे सालार में था 175 करोड़ के आसपास, 178 करोड़ के आसपास फर्स्ट डे की इनकम थी, ओपनिंग इनकम। लेकिन भाई सेकंड डे पे क्या होता है कि साउथ की मूवी पूरा डाउन चले जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, पूरा डाउन नहीं की, हाँ 30-40% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो ग्रोथ कर रही है कल डे 4 पर, फिर उसके बाद पहले तीन दिन के अगर मैं बताऊं तो नेट इंडिया से ये मूवी 209 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी पहले 3 दिन से ही। और कल डे 4 का क्या रुझान है भाई, अर्ली एस्टिमेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो कल नेट इंडिया से ये मूवी, फ्लेक्सिबल हॉलीडे था उसके कारण 45 करोड़ 77 लाख कल एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है, दिस इज द अर्ली एस्टिमेट। एंड द ग्रॉस कलेक्शन इज 55 करोड़ के आसपास, एंड ओवरसीज से 30 करोड़ के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है। पूरी दुनिया से 85 करोड़ आते नजर आ रहा है, और पहले 4 दिन में ही नेट इंडिया से 254 करोड़ 87 लाख का ह्यूज कलेक्शन ये मूवी सिर्फ नेट इंडिया से लेते नजर आ रही है कल एंड ऑफ द डे तक। टोटल ग्रॉस वहीं कल एंड ऑफ द डे तक की बात करें तो 302 करोड़ 30 लाख, एंड ओवरसीज से 175 करोड़, पूरी दुनिया से 487 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा ये अपने खाते में पहले 4 दिन में ही लेके आ रही है। और अभी ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, हु नोज, ये जो 487 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है भाई साहब 12 से 13 करोड़ आगे बढ़ जाए और पहले 4 दिन में ही 500 करोड़ देखने को मिल जाए वर्ल्ड वाइड ग्रोस में, भाई ऐसा हो गया ना तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड अनबीटेबल हो जाएगा, अनब्रेकेबल हो जाएगा, कोई माई का लाल जो है डेकेड्स ऑफ डेकेड्स में मैं कह रहा हूँ नहीं तोड़ पाएगा। सिर्फ प्रभास ही हैं जो ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ना कि तोड़ने आते हैं, ये रिकॉर्ड क्रिएट करने आते हैं, लाइक बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट करें भाई, कोई माई का लाल उसे नहीं हिला पाया है। वही चीज़ हमें सालार में देखने को मिलने वाली है। बात करें आज यानी डे 5 में कैसी ग्रोथ चल रही है, तो भाई आज प्रॉपर वर्किंग डे है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 45-50% की है, एडवांस बुकिंग की अगर मैं बात करूं तो आज टोटल ऑल लैंग्वेज को मिलाकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, IMAX, तेलुगु, IMAX सभी को मिलाकर ये मूवी आज 6 करोड़ का एडवांस बुकिंग आज के लिए ये ले चुकी है। तो भाई साहब मुद्दे की बात पर आओ कि आज नेट इंडिया से कितना कमाई करेगी, क्योंकि आज बहुत लोगों की नज़रें गड़ी हुई है, खासकर हेटर्स की, खासकर क्रिटिक्स की, क्योंकि भाई आज प्रॉपर वर्किंग डे है और वर्किंग डे में ही अग्नि परीक्षा स्टार्ट होती है। कल तो चलो फ्लेक्सिबल हॉलीडे था,
कहीं ना कहीं अच्छा खासा रेस देखने को मिल गया, लेकिन भाई आज क्या ये झेल पाएगी? बिल्कुल झेल पाएगी, क्योंकि आज नेट इंडिया से 35 करोड़ के आसपास आते नजर आ रहा है, ग्रॉस कलेक्शन वही 43 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, ओवरसीज से 22 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया से मूवी आज 75 करोड़ के आसपास ह्यूज कलेक्शन करते नजर आ रही है एंड ऑफ द डे तक। भाई जो नेट इंडिया से आज लगभग में लगभग 33 से 35 करोड़ आते नजर आ रहा है, ये डंकी मूवी की ओपनिंग थी, तो आप समझ ही सकते हो कि भैया प्रॉपर वर्किंग डे में कितना जबरदस्त तबाही मचा रही है। उसके बाद जो सैटरडे संडे आएगा तो फिर से बॉक्स ऑफिस फटने वाला है। तो टोटल कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक वर्ल्ड वाइड कितना हो जाएगा भाई? पहले 5 दिन में ही ये 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है, 562 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा एंड ऑफ द डे तक हो जाएगा, और जो बिल्कुल RIP ऑल रिकॉर्ड्स कर देगा, रेस्ट इन द पीस भाई, जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं सबको तोड़ते जा रही है, जवान पठान सभी को खदेड़ चुके। इस साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ये अभी तक है फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में, लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में होती है या नहीं होती है वो देखा जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है भाई। पठान और जवान ही ऐसी दो मूवी हैं जिन्होंने 1000 करोड़ टच किया है इंडियन सिनेमा से, देखा जाएगा क्या इनके रिकॉर्ड को ये तोड़ पाती है। आप लोगों की क्या राय है, मिलते हैं अगली वीडियो में।